और उसको तो नोटिस मिला ही नहीं, उससे पहले तो किसी सिफारिश वाले का फोन आ गया, बोले आप उसको नोटिस दे रहे हो? यार नगर पालिकाओं में अपन जिले में दूसरे हैं और राजस्थान में भी अपना स्थान है। अच्छी बात है। और इसी तरीके से स्वच्छता का मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पे स्वच्छता तो एक ऐसा चीज है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है, बीमारी से भी जुड़ा हुआ है, अपने स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, तो सफाई का काम तो कम से कम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में अपन टॉप नंबर आए, जैसे डूंगरपुर है एकदम आदिवासी इलाका है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे आया था, राजस्थान में नहीं। तो मैं उसकी भी वो जो उन्होंने क्या क्या किया कैसे किया वो मैं देखता रहता हूँ, तो वैसा अपन करेंगे। पिछले दो महीने से तो यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी तो अपन कर भी नहीं पाए, और अब मेरी उम्मीद है कि राजस्थान में पहले नंबर पे अपन आए सफाई के मामले में। यूं निर्माण काम है, निर्माण काम भी जो अपने यहाँ अब तक हुए हैं वो अच्छी गुणवत्ता के हुए, पहले तो कोई गुणवत्ता थी नहीं, बना देते थे फिर तोड़ देते थे, बना देते थे फिर तोड़ देते थे, जहाँ 2 फीट का नाला बनना चाहिए था वहां 9 इंच की नाली बना देते थे, 6 महीने बाद में उसको तोड़ दो दोबारा बना दो। अब ये नहीं होगा और हो भी नहीं रहा। फिर साथ ही स्टाफ में भी बड़ी गड़बड़ है। कल परसों में एक नोटिस कहा एक बाबू को देने के लिए कि उसको नोटिस देना है, उस अतिक्रमी है, और उसको तो नोटिस मिला ही नहीं, उससे पहले तो किसी सिफारिश वाले का फोन आ गया, बोले आप उसको नोटिस दे रहे हो? यार हमने तो दिया ही नहीं, अभी तो छपा ही नहीं नोटिस। तो नोटिस छापने वाले ने देने वाले ने कह दिया अगले को कि तेरे पास नोटिस आ रहा है। ऐसे कर्मचारी से नगर पालिका कैसे चलेगी बताओ? सब अपने सीक्रेसी रखो, सीक्रेसी नहीं रखोगे तो काम चलेगा नहीं। अरे ये तो आपको पता है कि नगर पालिका तो नेताओं का खड़ा है, एक आदमी चाहेगा एक आदमी नहीं चाहेगा, अपन काम करेंगे उससे अतिक्रमण तो तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे उससे पहले सिफारिश आ जाएगी सामने वाले की, सिफारिश करने वाला भी अपना ही भाई होगा। तो सीक्रेसी भी रखनी है और हिसाब से काम करना, ईमानदारी से काम करना, सुबह टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, फालतू कोई बात नहीं, फालतू को बैठाने का काम भी मत रखो। अब कर्मचारियों को लेकर सबके चैम्बर बना दी, आपकी एक ही कुर्सी रहती है वहां, दूसरा कोई खड़ा ही नहीं रहता, जिसका काम है खड़ा हो काम के यार चलो बस ठीक है, बैठना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं ऑफिस में यूँ ये साहब के पास भी काफी काम रहता है और पार्षदगण बैठ जाते हैं। भाई पार्षदों को मेरा तो सबसे निवेदन है, ये साहब से काम है तो उनसे काम कहो, पूछना वो बात पूछ लो फिर छुट्टी, काम हो जाएगा आप लोगों का, और कोई बात नहीं मेरे पास कर लो, यहाँ बाहर टेंट लगा वहां कर लो, चाय पियो मौज मस्ती करो। लेकिन ईओ साहब के पास भी काम खूब होता है, ईओ साहब कह नहीं सकते कि साहब तुम बाहर बैठ जाओ, तो अपन सब लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तभी काम होगा, मेरे अकेले से भी नहीं होगा, अपन सारे मिलकर सहयोग से काम करेंगे ना तो काम होगा। और मैं समझता हूँ उदयपुर वाटी का नाम पूरे राजस्थान में हो किसी न किसी मामले में टॉप में, पट्टे में अपन दूसरे स्थान पे हैं नवलगढ़ के बाद, नवलगढ़ तो बड़ी आबादी है, उदयपुर वाटी तो छोटी आबादी है, इसके बाद में भी अपने पट्टों की हमारे ये लगे हुए थे किशोर जी सैनी वो यादव जी नंदलाल जी उन्होंने अच्छा काम किया पट्टों में, ये बधाई के पात्र भी है, नहीं तो अपन इतना काम नहीं कर पाते। किशोर तो रात को 12-12 बजे तक काम करता है, छुट्टी के दिन भी आता है, इस तरह से काम करें ना, हर कोई काम करेगा तो देखो नाम तो होगा उसमें। अब वो एक हरिजन है सफाई कर्मचारी जाति का तो जाट है, लेकिन सबसे बढ़िया काम करता है वो सफाई का, और वाल्मीकि समाज के अलावा जितने भी कर्मचारी लगे हैं ना सफाई में, वो कोई तो तहसील में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी जिम्मेदारी दे दो कोई किसी, सब झाड़ू नहीं निकाल रहा, लेकिन वो जो लड़का क्या नाम उसका सुशील, अब वो सुशील कुमार ईमानदारी से काम करता सफाई का, उसका कोई भी काम दे दो तो जो काम करेगा वो तो हीरे की तरह चमकेगा भाई, सबको दिखेगा। तो अपन सब मिलकर काम करें।